के मैडम है पुष्पांजलि पत्नी श्री राजेश वर्मा, मकान नंबर 210/25 लोधुंगा बड़ा ईदगाह। इसने एक थाना क्लॉक टावर पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दर्ज कराई है कि मेरे द्वारा ये ऑनलाइन कोई ऐप है जिसके अंदर सोफा वगैरह सोफे का कोई उन्होंने कोई फ़ोटो वगैरह डाली है, वो सोफा उनको पसंद आ गया था, उन्होंने ऑनलाइन 10,000 रुपये उन्होंने जमा करा दिए जबकि सोफे वगैरह उन्होंने को उपलब्ध कराए नहीं है। इस संबंध के अंदर उन्होंने ऑनलाइन ठगी के संबंध में एक प्रकरण दर्ज कराया है कल, जो प्रकरण संख्या आपके 143/19 है, 420 IPC में दर्ज किया है। उसका अनुसंधान मेरे द्वारा किया जा रहा है जिसके संबंध में बैंक से और परिवादिया से जो भी उपलब्ध डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्राप्त किए जाएंगे और मोबाइल नंबर जिस मोबाइल नंबर से ठगी के शिकार हुए हैं या एप से शिकार हुई है उसके संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जाएगी। पीड़ित के खाते से कुल कितने पैसे निकले हैं? पीड़ित के खाते से ये 30,000 रुपये था जी। ये जिस तरीके से ठगी हुई है इस तरीके से करीब तीसरी बार CRPF का बता के और कभी OLX का या कभी गुरु साइड का किस तरीके से इनको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है जी। इस संबंध के अंदर हम साइबर क्राइम की सहायता से हम पकड़ने की पूर्णतया कोशिश कर रहे हैं और इस संबंध में हम हमारे थाने के ऊपर भी हम बार बार ये सूचना पत्र जारी कर दिया है, अखबारों मीडिया के माध्यम से समाचार पत्रों के माध्यम से भी सबको निवेदन करके आग्रह किया जा रहा है कि इस प्रकार आजकल ऑनलाइन ठगी हो रही है, इससे आप बचें, अपना अकाउंट नंबर, पैन नंबर, अपने पिन नंबर आदि वगैरह इस प्रकार का किसी को अनजान व्यक्ति को नहीं बताइए। इस संबंध में आग्रह कर रहे हैं, फिर भी हम और भी पूरी जनता को हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, इस संबंध में अंदर जानकारी देंगे और इस संबंध के अंदर साइबर क्राइम की सहायता से, साइबर सेल की सहायता से हम बिल्कुल टीम वर्क से काम करके उच्च अधिकारियों के निर्देशन में काम करके और इसका खुलासा करेंगे। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए YouTube पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।